हाँ नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ आलोक यूट्यूब चैनल पर अनिल मिश्रा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आलोक सर के निर्देशन, आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में एक नए बैच सुपरटेक 2020-21 का आगाज किया जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सुपरटेक के पेपर में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी भाषा का चयन किया जाता है। भाषा में आपको इंग्लिश भाषा, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, जैसा कि आपने देखा कि यहां सुपरटेक में जो है तीनों भाषाओं का आपको अध्ययन करना है। और उन तीनों भाषाओं में जैसा कि संस्कृत भाषा का भी आपको अध्ययन करना है, और संस्कृत भाषा की जिम्मेदारी संस्थान ने मुझे दी है। और आप संस्कृत भाषा के विषय वस्तु में जो भी मुझे जिम्मेदारी संस्थान ने सौंपी है, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके बेहतर भविष्य के लिए जितना भी मुझसे संभव हो सकता है आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जैसा कि मालूम है कि पिछला बैच सुपरटेट 2019 जो प्रारंभ किया गया था उसमें संस्कृत विषय वस्तु की जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर थी। जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो संस्कृत भाषा को मजबूरी में पढ़ रहे थे, क्योंकि टीटी में आप जानते हैं कि संस्कृत विषय वस्तु एक वैकल्पिक विषय वस्तु के रूप में थी। वहां आपके ऊपर विकल्प था कि आप इंग्लिश भाषा को भी पढ़ सकते थे या संस्कृत भाषा का भी चयन कर सकते थे। तो वहां पर आपको स्वतंत्रता थी कि चाहे जिस भाषा का चयन करना है आप कर सकते हैं। लेकिन इस सुपरटेट की परीक्षा में जो है आपका जो विकल्प है, इस विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। अब आपको इंग्लिश भाषा भी पढ़नी है, आपको संस्कृत भाषा भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भाषा भी पढ़नी है। तीनों भाषाओं को आपको अध्ययन करना है। तो चाहे वह इंग्लिश का प्रतियोगी हो, चाहे वह हिंदी का प्रतियोगी हो, चाहे वह संस्कृत का प्रतियोगी हो, सबको तीनों भाषाओं का जो है अध्ययन करना है। अब विकल्प का अभाव, विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए, यहां पर बहुत ऐसे प्रतियोगी हैं कि जिन्होंने अपने कैरियर में जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं किया है, उनके दिमाग में एक बात है कि संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा है। पिछले सुपरटेट के क्लास में 2019 में यही बात सभी प्रतियोगियों में, काफी ऐसे जो मान विज्ञान वर्ग के प्रतियोगी थे, संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं किए थे, वो कहते थे कि सर संस्कृत कैसे आएगी। लेकिन संस्थान के प्रयास से, हम लोगों के मतलब मेहनत से और आप लोगों के परिश्रम से हमारा जो पिछला बैच था बहुत ही बेहतर ढंग से जो है कार्य किया, और अच्छे परिणाम के साथ काफी लोगों ने जो है पिछले 69,000 की परीक्षा में अच्छे स्थान प्राप्त किए। और संस्कृत विषय वस्तु के बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग ऐसे प्रतियोगियों की संख्या काफी थी कि जो 10 में 10, जो ये समझ रहे थे कि हम 5 से 6 प्रश्न नहीं कर पाएंगे, वह भी जो है 10 में 10 प्रश्नों को, मतलब संपूर्ण अंकों को प्राप्त किया है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि यह प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में सबसे जो बेहतर प्रयास करता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। मित्रों, ये कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में अब आपको कंपटीशन के हर स्तर पर आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, और इसके साथ आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। तो देखिए, यहां संस्कृत भाषा की जो जिम्मेदारी है वह मेरे ऊपर है। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कैसे संस्कृत भाषा का आपको अध्ययन करना है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि
टीटी और सुपरटेट, टीटी प्लस यस टीटी, ये दोनों परीक्षाएं आप देख लीजिए, दोनों का जो सिलेबस है यहां आपके पूर्णांक 30 अंक का था और यहां पर प्रश्नों की संख्या आपको क्या थी, 30 प्रश्न करने थे। पूर्णांक 30 था और 30 प्रश्न आपको करने थे, लेकिन यहां पर यस टेट सुपर टेट में आपको 10 अंक प्राप्त करना है, 10 अंक प्राप्त करना है और प्रश्नों की संख्या कितनी है, कह रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या भी 10 है। लगता तो बहुत कम है, जैसे एक बहुत बड़ी बात होती है कि चलिए एक अंक गलत हो जाएगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है मित्रों, लेकिन आज आप देखिए इस प्रतियोगिता के दौर में सामान्य गलती भी जो है अब क्षम्य नहीं रह गई है, मेरिट का स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला जा रहा है कि आपकी सामान्य गलती भी अब क्षम्य नहीं है, अब आपको बेहतर ढंग से बहुत सारे विषयों में आपको पूर्णांक में पूर्णांक अर्जित करना पड़ेगा तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षक बनने का जो आपका टारगेट है, प्राथमिक शिक्षक। इस लक्ष्य को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपसे कहीं पर भी किसी भी तरह की गलती ना हो, तभी आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब हम सीधे आते हैं संस्कृत भाषा पर। संस्कृत भाषा जो आपके सिलेबस में रखी गई है, संस्कृत भाषा इस संस्कृत भाषा में सबसे पहले बहुत सरल विषय वस्तु रखा गया है, बहुत संक्षिप्त आपका सिलेबस है। आप यदि सामान्य ढंग से आप तैयारी करते हैं तब भी आप संस्कृत विषय वस्तु में 10 में 10 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो देखिए इसकी विषय वस्तु देख लीजिए, जो परीक्षा की जो विषय वस्तु आपके सामने रखा गया है, विषय वस्तु आपका जो विषय वस्तु है, कौन कौन सी टॉपिक है जो आपके सिलेबस में रखी गई है, आप देखिए यहां पर पहले टॉपिक है आपकी अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश या पद्यांश, अपठित गद्यांश या पद्यांश। संस्कृत भाषा में जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा उस पहले प्रश्न का जो सिलेबस है वह अपठित होगा। अपठित का मतलब आपने पढ़ा नहीं है, आपका के विषय वस्तु का सिलेबस निर्धारित नहीं है, आपके विषय वस्तु का सिलेबस निर्धारित नहीं है कि यहीं से हमारा अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, यहीं आपसे अपठित पद्यांश पूछा जाएगा, लेकिन उसको आपको अपने अनुभव के आधार पर सही करना है। जैसे आपने देखा अपठित गद्यांश में 2019 में जो है एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि शैले शैले नामाढ़िक्यम मौक्तिकम ना बने बने साधो ना सर्वत्रम चंदन ना बने बने। तो देखिए यहीं से प्रश्न, साधो कहां सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं, बस यहीं से ऐसे प्रश्न बना दिया जाए, चंदन कहां पाया जाता है उसी में से प्रश्न बना दिया जाएगा, पर्वतों पर कौन चीज पाई जाती है, प्रश्न ऐसे बना दिया जाएगा, आपको अनुभव के आधार पर जो है आपको प्रश्न करना पड़ेगा। तो देखिए
आपका जो पहला प्रश्न होगा यहां से एक प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न कहां से आएगा? अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो कोई भी प्रतियोगी, ऐसा नहीं कि हम संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल मत पढ़िए, ना पढ़ पाइए, फिर भी उस गद्यांश से संबंधित उन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके उन्हीं में से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। आप अभ्यास करेंगे तो आप संस्कृत कभी नहीं पढ़े हुए हैं तब भी आप संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न आएगा वो कहां से आएगा? आपके सिलेबस में रखा गया है संधि। संधि एक प्रश्न आना है, यहां से एक प्रश्न आना अनिवार्य है। एक प्रश्न आपका संधि से आना अनिवार्य है। आप देखिए कि थोड़ा सा सिलेबस जो आपने टीटी में पढ़ा है वही सिलेबस सुपरटेट में भी है, लेकिन थोड़ा सा प्रकृति बदल जाती है, थोड़ा सा प्रकृति बदल जाती है। जैसे देखिए गवेंद्रा है, गवेंद्रा है और विद्यालय है, विद्यालय है, संधियां दोनों, संधियां दोनों हैं। संधि का सिलेबस आपके पेपर में कि संधि से एक प्रश्न आएगा, लेकिन सुपरटेट है, सुपरटेट में देखिए टीटी का प्रश्न है, यह टीटी में एकदम सिंपल विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, यहां से कैसा प्रश्न पूछा जाता है? आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया विद्यालय में कौन संधि है या विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए संधि विच्छेद और संधि का नाम, संधि विच्छेद और संधि का नाम, संधि का नाम, इस दो टाइप के यहां क्या पूछा गया है? संधि का नाम पूछा गया है कि विद्यालय में कौन संधि है। तो जैसे यहां दीर्घ संधि आपने बता दिया, दीर्घ संधि, संधि विच्छेद पूछता है तो आपने बता दिया कि भैया विद्याधनालय, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ऐसे एक प्रश्न कहां पूछे जाते हैं? ये टीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी चीज को देखिए आपसे एसटीटी, ये सुपरटेट है, अच संधि से संबंधित उदाहरण है। देखिए उदाहरण कहां है? स्वर संधि से है, दोनों उदाहरण स्वर संधि से है। और कह रहे हैं कि यहां से जब पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा? टेक्निकल, थोड़ा सा स्तर आपका बदल गया। यदि आप सामान्य जानकारी रखते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को गलत कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा भैया संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद, तो देखिए संधि विच्छेद करना होगा तो आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि गोधन इंद्रा, गोधन इंद्रा। फिर यहां से जो आपसे प्रश्न बन पूछा जाएगा, सूत्र पूछ लिया जाएगा, यहां से सूत्र पूछ लिया जाएगा
कि किस संधि से गवेंद्र बना है, किस सूत्र से बना है, इंद्रे च सूत्र, इंद्रे च इस सूत्र से जो है इसमें क्या हो जाएगा, गवेंद्र बन जाएगा। तो देखिए आपको वही चीज पढ़ना है लेकिन आपकी प्रकृति बदलनी पड़ेगी। सुपर टेट में जो प्रश्न पूछा जाता है आप जानते तो हैं, विद्याधनालय विद्यालय है लेकिन हो सकता है विद्यालय में न पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया विद्यालय में किस सूत्र के द्वारा इसमें स्वर संधि का या दीर्घ संधि का विधान किया गया है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको हर स्तर से आपको जानना पड़ेगा, प्रश्न चाहे जैसा पूछे। थोड़ा सा यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा अपवाद टाइप का, जो आपने टीटी में पढ़ा है वही चीज यहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य प्रश्नों से थोड़ा सा हट करके जहां कुछ टेक्निकलिटी है वही प्रश्न यहां पर पूछ लिए जाएंगे, वही प्रश्न यहां पर पूछ लिए जाएंगे। तो आप देखिए संधि से ऐसे प्रश्न आपके इस सुपर टेट में पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न जो आएगा वह कहां से आएगा, संधि से आएगा। देखिए तीसरे प्रश्न की चर्चा आपकी तीसरी टॉपिक समास, समास ये आपके विषय वस्तु का तीसरी टॉपिक है कि आपसे समास से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टीटी सुपर टेट 2019 सुपर टेट 2019 दो प्रश्न, दो प्रश्न देखिए ये कहां से पूछे गए हैं, इस टॉपिक से पूछे गए हैं। कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है तो समास, लेकिन दो प्रश्न बना दिया गया था। सुपर टेट में पूछा था कि सूर्योदय सूर्योदय दूसरा पूछ लिया था नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। ये देखिए दो प्रश्न आए थे, कहां आए थे, कह रहे कि यह प्रश्न आपका आया था सुपर टेट 2019 में, आना तो एक प्रश्न चाहिए था लेकिन हो क्या गया भैया, दो प्रश्न आपका बना दिया गया। कहां से बना दिया गया, इस समास की टॉपिक से बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सुपर टेट का जो पेपर होगा उस पेपर में जो समास का प्रकरण आपके सिलेबस में रखा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना भी बड़ा आसान है। आपसे देखिए केवल नाम पूछा गया है, नाम पूछा गया है कि भैया जरा बताइए कि इस सूर्योदय में कौन समास होता है, केवल नाम बताना था। आपसे जो है विग्रह भी नहीं पूछा गया है, केवल सामासिक पद का नाम पूछा गया है। बहुत सिंपल बात है, इस पर चर्चा होगी जब हम लोग क्लास में इस विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिंपल बातें हैं, जैसे देखिए आपने देखा है पढ़ा है, कोई कहता है बताइए सूर्योदय में कौन समास है, तो आप टीटी में भी पढ़ा है इस बात को कि समास एक ऐसा टॉपिक है, समास में होता क्या है, सदैव विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, विभक्तियों का लोप, विभक्तियों का चिन्ह दिया गया सूर्योदय जैसे, सिंपल सी बात है। हिंदी में आप जान लीजिए सूर्योदय का मतलब क्या, सूर्य का उदय होना,
सूर्य का उदय होना। हम कहते हैं कि आपको समास नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है, इसमें तत्पुरुष समास है, इसमें कर्मधारय समास है, हम नहीं जान रहे हैं। तो इतना तो जान ही रहे कि सूर्योदय का मतलब सूर्य का उदय होना होता है, और आप यह भी जानते हैं कि समास में विभक्तियों का लोप होता है। तो एक चीज आपको यह मालूम हो गया कि यह विभक्ति किसका चिन्ह है, काकी के, का की के, रा री रे, ना नी ने। इतनी बात तो आपने पढ़ा है, आप टीटी में पढ़ा था। तो कह रहे कि यदि विभक्ति का हमने लोप कर दिया, इसका को हमने लोप कर दिया, तो एक चीज आपको मालूम हो गया कि भैया ये षष्ठी तत्पुरुष जो होता है तब वहीं पर जो है इसका का लोप किया जाता है, काकी के, रारी रे, नानी ने। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, कारक में कहां लगता है ये, षष्ठी विभक्ति में लगता है, षष्ठी विभक्त में लगता है। इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास। कितना बढ़िया, देखिए आपके सिलेबस में है, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन केवल प्रश्न का तरीका बदल गया, प्रश्न टफ हो गया। अगले प्रश्न पर देखिए, जो दूसरा समास का उदाहरण आपके सिलेबस में बताया गया था, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, दोनों उदाहरण देखिए, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। करक उत्पल क्या होता है? उत्पल मीन्स होता है कमल। कमल कैसा है? कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल नीला है। तो आपने देखा कि तत्पुरुष समास का एक भेद होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण। इसी समानाधिकरण को एक अन्य नाम से आप जानते हैं, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब देखिए यही से प्रश्न बना दिया गया है। कितना बढ़िया, बार बार आप देते हैं परीक्षा हर जगह। सिंपल सी बात है कि नीलोत्पलम में कौन समास है, तो नीलोत्पलम में कौन समास हो सकता है? कर्मधारय समास हो सकता है। कर्मधारय समास में कंडीशन क्या होती है कि विशेषता बताई जाती है, जो उत्तर पद होता है पहला पद क्या करता है उसकी विशेषता बताता है। दोनों पद एक विभक्तियों में होते हैं, यही चीज कर्मधारय की विशेषता में आप पढ़े हैं। तो देखिए दो प्रश्न जो है टीटी दो सुपर टेट 2019 के पेपर में समास से दो प्रश्न बनाए गए थे। इसका मतलब सुपर टेट की के पेपर में जो समास की टॉपिक होगी वह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगी, वहां से दो प्रश्न आपके बनेंगे। अगली टॉपिक आप देखिए, आपके सिलेबस में रखा गया है उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग प्लस प्रत्यय। सबसे टफ प्रश्न, यदि सुपर टेट के पेपर में आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं, तो यही एक स्थान है, एक बिंदु है, यही बिंदु ऐसा है जो सबसे कठिन प्रश्न दिखाई पड़ता है, सबसे कठिन प्रश्न, सबसे कठिन प्रश्न।
यह टॉपिक देखिए आपने टीटी में भी पढ़ा है, टीटी में भी थे, और यह एसटीईटी, मतलब यहां भी रखा गया है और यहां भी रखा गया है, थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति अलग है, थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति अलग है। जैसे देखिए यहां आपसे पूछा जा सकता है, टीटी में आपसे पूछा गया था पठित्वा, पठित्वा बहुत आसान है, पठनीय है, पठनीय है, यहां बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पठित्वा में पठधन अट्वा प्रत्यय, पठनीय में पठधन अनियर प्रत्यय, तुमन है पठतुम, पठितुम पठधन तुमन प्रत्यय। लेकिन देखिए यहां पर यह स्टेट 2019 में एक प्रश्न पूछ लिया था, एक पद दिया था हसंती, हसंती में आपसे प्रत्यय पूछा गया था, कितना टफ प्रश्न था, इस प्रश्न को काफी लोगों ने गलत कर दिया था। देखिए यहां पर 10 में 10 अंक आपको अर्जित करना है, सिलेबस आपका बहुत थोड़ा है, इसलिए आपको इस ढंग से पढ़ना है कि आपके कहीं से भी एक एक प्रश्न न फिसले, एक एक प्रश्न न फिसले। मित्रों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम जो है क्लास में कभी कभी हम कम प्रतियोगिता का उदाहरण देते हैं कि प्रतियोगिता है क्या चीज, तो एकदम हम आपको उदाहरण के रूप में कहते हैं कि प्रतियोगिता क्या है, एकदम क्रिकेट का गेम है, प्रतियोगिता एकदम क्रिकेट का गेम है। प्रतियोगिता में जैसे एक क्रिकेटर जो होता है, एक प्लेयर जो होता है, 11 प्लेयर होते हैं, सभी प्लेयर शतक नहीं मारते हैं, सभी प्लेयर शतक नहीं मारते हैं, वही प्लेयर शतक मारता है जो 3 घंटे बैटिंग करता है और प्रत्येक बाल को नए अंदाज से खेलता है, हर बाल को नए स्तर से खेलता है। ये नहीं कि एक ही तरह से चौका छक्का मारना आप शुरू कर दीजिए, 4 प्रश्न आपको आ रहा है तो उसी अंदाज में आप 5वें प्रश्न को भी करें, आपका प्रश्न एकदम गलत हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो सुपर टेट का पेपर है, यह सुपर टेट का पेपर एकदम आप जानते हैं 2020 मैच का पेपर है, यहां आपको हर बाल पर रन बनाना होगा और हर ढंग से बेहतर करना पड़ेगा, आपको 20 में 20 10 में 10 करना होगा, तभी जाकर के आपको अपना लक्ष्य मिल सकता है। यदि आपका एक प्रश्न भी गलत हो जाएगा तो आप अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए आप सावधानी से हर प्रश्न को करें, हर विषय वस्तु को बेहतर ढंग से करने का आप प्रयास करेंगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहां हसंती पूछा गया है, कह रहे हैं कि इसमें हस धातु है और इसमें क्या है, सत्र प्रत्यय है। तो देखिए दोनों का अंतर आप समझते चल रहे हैं कि टीटी में हम कैसे पढ़ते थे और हमें सुपर टेट में कैसे पढ़ना है। प्रत्यय वही है, वहां भाषा का सामान्य परिचय आपको जानना था, यहां पर भाषा में थोड़ा सा तकनीकी रूप से क्लिष्टता आ जा रही है, वही चीज पढ़ना है, दूसरे ढंग से पढ़ना है, विषय वस्तु एक ही है, जो आप टीटी की परीक्षा को पास करके आए हैं वही विषय वस्तु को आपको सुपर टेट में भी पढ़ना है। भाई प्रत्यय वहां भी पढ़ा है, प्रत्यय से संबंधित यहां भी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन दोनों में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, यहां तकनीकी रूप से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, यही सुपर टेट और टीटी के पेपर में अंतर है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, धातु
रूप, शब्द रूप। धात रूप, शब्द रूप। कम से कम दो प्रश्न, देखने में बड़ा आसान लगता है मित्रों। आप लोग इस बात को सोचते भी हैं कि अरे रूप तो है, यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन देखिए, संस्कृत भाषा में यह एक ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा फिसलन होता है। यह प्रश्न केवल देखने में आसान लगता है लेकिन करने में मित्रों कठिन है। मैं बड़ा बहुत सामान्य उदाहरण पूछ रहा हूं। देखिए, धातु में ददाति, ददति, दो प्रश्नों पर केवल चर्चा कर रहा हूं। यह प्रश्न टीटी 2019 एसटीटी दो हजार अठारह चर्चा करना चाहता हूं। एक ही प्रश्न है, प्रश्न क्या है? ददाति और ददति, द धातु, द धातु से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपके 68,000 जो सुपर टेट की दो परीक्षा हुई है, एक में 68,000 की नियुक्ति हुई है जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, दूसरी परीक्षा सुपर टेट की हुई है जिसमें 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अभी उसकी प्रतियोगिता चल रही है, आपने देखा लगभग 31,000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, 37,000 पर नियुक्ति शीघ्र होने जा रही है। दोनों जगह ये प्रश्न आया हुआ है। हम केवल सुपर टेट और टीटी के अंतर को बताना चाहते हैं कि आपने वहां कैसे पढ़ा है उसी वस्तु को, यहां सुपर टेट में कैसे आपको पढ़ना है। जब सुपर टेट में यह दाधात पूछी गई थी 68,000 में जब यह पेपर बना था तो संस्कृत भाषा के रूप में दाधातु से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न पूछा गया था। यहां पूछा गया था गढ़, 68,000 का सबसे टफ प्रश्न था संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का सबसे टफ प्रश्न यही बनाया गया था कि दा धातु किस गण की है। अब आप बताइए, संस्कृत भाषा का सामान्य अध्ययन करना है और प्रश्न आपसे विशिष्ट पूछा रहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा का बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। भैया, जब हमें यही नहीं मालूम कि संस्कृत भाषा में गणों की संख्या कितनी है, कौन कौन गण होते हैं, हमने नाम ही नहीं सुना है, हमने तो पठत पठता पठंत पढ़ा है, भवति भवता भवंति पढ़ा है, तो कैसे आप इसको करेंगे? तो देखिए, टेटी और सुपर टेट में जो भी प्रश्न है वह थोड़ा सा आपको हर स्तर पर जानना है कि धातु है तो किस लकार में है, यह लट लकार में है, एक वचन में है, द्विवचन में, बहुवचन में है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में है, किस लकार में है, किस गण में है, यही थोड़ा सा आपकी प्रकृति पढ़ने की बदल जाती है। और आपको देखिए, दा धातु किस गण की है तो कह रहे हैं कि जुहोत्यादि गण, जुहोत्यादि गण। तो देखिए, संस्कृत में गणों की संख्या 10 है
उस दस गण में एक गण ऐसी है जिसको जुहोत्यादि गण कहते हैं, उसकी पहली धातु हु है। और यहां पर ददात प्रश्न यही पूछा गया है कि यह ददात किस गण की है, दा धातु किस गण की है, तो आपको सीधे सीधे आप देखिए जुहोत्यादि गण की है। कितना टफ प्रश्न था, लेकिन जब यही टीटी में पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ददाति पद बना है कहां, बना भैया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। ददति पद कहां बनता है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। तो यहां से इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, लेकिन जब वही प्रश्न जो है कहां, जब सुपरटेट में पूछा जाएगा तो वहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए आप जो है प्रश्न को कर नहीं पाएंगे। इसी तरह से देखिए एक प्रश्न और बना दिया गया था ऐसा, दास्यति पद, यही पद है। जब टीटी में पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है कि दा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, आ? लिट लकार किसका, दा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, यहां पूछा जाता है कहां, ये टीटी में पूछ लिया जाएगा, पूछा भी गया है, लेकिन देखिए यही प्रश्न कहां पूछा गया है, यस टी ई टी सुपरटेट 2019 में, सुपरटेट 2019 में पूछा गया कि दास्यति रूप बनता कहां है, करें कि यह रूप बनता है अंतर, केवल आप समझ लीजिए कि टीटी की पढ़ाई क्या है, सुपरटेट की पढ़ाई क्या है, हमें सुपरटेट में टीटी से कैसे भिन्नता है। तो आप यदि टेक्निक से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई आसान है, यदि दाना भूसा की तरह एक ही में पढ़ना चाहेंगे तो कंपटीशन आपके लिए टफ हो जाएगा। आप एकदम तरीके को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए यहां क्या पूछा है कि यह दास्यति कहां बनता है, तो देखिए लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यहां सीधा प्रश्न पूछा जाता है और यहां पर वही प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। यही दोनों परीक्षाओं की प्रणालियों का अंतर है, सब कुछ आप जानते हैं लेकिन हर बाल पर छक्का मारेंगे तो आप एकदम जो है हर बाल पर आपका कैच हो जाएगा और परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे। तो देखिए अगली टॉपिक आपकी क्या है, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, क्योंकि आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो मित्रों एक चीज आपको जानना जरूरी है कि संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा क्या है, भाषा माध्यम है, भाषा क्या है, एक माध्यम है, किसका माध्यम है, विचारों का माध्यम है, विचारों का, यह विचारों का माध्यम है भाई, भाषा बोली क्या है, एक माध्यम है, एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक तरीका है। तो कहे कि इस भाषा को हम कैसे पढ़ें, इस भाषा को हमें कैसे जानना है, तो इस संस्कृत भाषा को जानने का तरीका क्या है, व्याकरण है। इस भाषा को हम कैसे जानेंगे,
संस्कृत व्याकरण के माध्यम से जानेंगे। भाषा शुद्ध और अशुद्ध भी हो सकती है, लेकिन उस भाषा में शुद्धता कैसे आएगी, इसी व्याकरण के माध्यम से आएगी। तो देखिए, इस भाषा संस्कृत व्याकरण संस्कृत व्याकरण उद्भव विकास, आपको इस बिंदु को पढ़ना पड़ेगा। यहां से एक प्रश्न बनाया गया है, एक प्रश्न यहां से निकल करके आया है मित्रों, और आया कौन सा प्रश्न है थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या, यही प्रश्न सुपरटेट 2019 का सबसे आसान प्रश्न था। सुपरटेट 2019 का सबसे सरल प्रश्न, तो इसका क्या मतलब है, सरल प्रश्न है तो इसको हम बहुत आसानी से जाने, ऐसा नहीं। देखिए, यह भी जब प्रश्न पूछा गया था तो यह ऐसे स्थान पर रख दिया गया था जहां आपके सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। पता लगा कि 14 पहले रख दिया गया है, हैं? 14 पहले रख दिया गया है या 14 बाद में रख दिया गया है, वही 12-13 को रख दिया गया, तो आप सारे विकल्पों को ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रश्न गलत करके चले आएंगे। तो देखिए, यह प्रश्न आया था, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है भैया, कि 13 है कि 14 है कि 11 है कि 15 है। तो देखिए, सरल प्रश्नों को और जान सावधानी से करना है, क्योंकि भाई आपके पेपर में केवल 10 प्रश्न है भाषा से संबंधित, संस्कृत भाषा में। हम कहते हैं 20 प्रश्न होता तो एक दो गलत भी हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि 10 प्रश्नों में एक भी प्रश्न आपके गलत होंगे तब क्या हो जाएगा, आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत विधिवत ढंग से जो है विषय वस्तु को पहले जान लीजिए कि हम सुपरटेट की तैयारी करने जा रहे हैं, सुपरटेट की विषय वस्तु क्या निर्धारित की गई है, हमारा सिलेबस क्या है। उस सिलेबस में 2 परीक्षाएं आपकी हुई हैं, एक 68,000 की हुई है, एक 69,000 की हुई है। उन प्रश्नों को देख लीजिए कि देखिए वहां पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर इसके बाद उसी के आधार पर संस्कृत भाषा का अध्ययन करें। एक चीज और आपको मैं बता दूं मित्रों कि देखिए, हम सभी विषय वस्तु के बारे में तो नहीं, लेकिन विशेष रूप से संस्कृत विषय वस्तु के बारे में आपको बताना चाहते हैं, या पिछले बैच में जिन लोगों ने मेरे क्लास को देखा है यदि परिचित हो तो आप जान सकते हैं कि बाहरी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, इतनी पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, छोटी छोटी उसमें अशुद्धियां हैं, या तो संस्कृत विषय वस्तु के लिए कोई ग्रंथ न पढ़े, केवल क्लास को देखें, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं तो शुद्धता के लिए एक सरल रचना अनुवाद कौमदी, सरल रचना अनुवाद कौमदी, यदि कोई पढ़ सकता है तो, कोई पढ़ सकता है तो इस ग्रंथ को ले सकता है, अन्यथा इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर
कपिल देव द्विवेदी। कपिल देव द्विवेदी, इसको हमारा बताने का मतलब क्या है, क्योंकि आपकी टॉपिक बहुत सीमित है, आपको समास पढ़ना है, आपको संधि पढ़ना है, आपको रूप पढ़ना है, आपको धातु रूप पढ़ना है, आपको प्रत्यय पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा वहां पर दिया गया है यदि आप पढ़ना चाहें, क्योंकि वहां पर शुद्धता है, क्लिष्टता है, आपके स्तर के बाहर की चीजें हैं, लेकिन वहां पर इतनी शुद्धता है कि यदि किसी भी परीक्षा में संस्कृत विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रश्न बनाया जाता है तो लगभग लगभग जितने भी विद्वान हैं उस ग्रंथ का कहीं न कहीं प्रयोग करते हैं। तो पढ़ पाइए तो अति उत्तम है, ना पढ़ पाइए तो कोई जरूरत नहीं है, केवल क्लास को पढ़ने की जरूरत है। और मित्रों, इसी के साथ साथ आज की क्लास का यही समापन किया जाए, फिर अगली क्लास में जो है विषय वस्तु पर चर्चा होगी। धन्यवाद।